واصحابه وبارك وسلم السلام عليكم फिर से मस्जिद में जमा हुए हैं। आज हमारा जो पीरियड है और जो गुफ्तगू में करने वाला हूँ ये चैप्टर है 12 महीने में क्या सवाब मिलता है, कौन सी चीज देखनी है और कुरान की कौन सी आयत पढ़नी है उसका क्या सवाब है, ये बच्चे इंशाल्लाह बच्चियाँ जवाब देंगे। दुआ करें या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किल हल कर सहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला है शहीद करबला के वास्ते, कादरी कल कादरी रब कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, इन बाह मलाइका तहु सल्लू अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा जाने का मौका अता फरमाए, उनके औलादों को जाने का मौका अता फरमाए और हमारे हाजी अब्बास को चिश्ती के अल्लाह बख्शिशी अता फरमाए और उनके बेटे सैयद अब्दुल हमीद बाबू और सैयद इरफान बाबू दोनों की उम्र में बरकतें अता फरमाए और दुआ करें हाजी अरिमा और उनके जितने खानदान वाले सब के लिए बरकत अता फरमाए और दुआ करें हमारे साइस्तम्मा को बीमार अल्लाह शिफाए कामिला अता फरमाए और कुव्वत हैदरी अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह ये सिलसिला सवाल जवाब का शुरू होता है। सबसे पहले इन बच्चों से पूछूंगा कि साल के कितने महीने हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त से जवाब सही है, साल के 12 महीने। अब इंशाल्लाह ये मुसलमानों के महीना अंग्रेजी जो महीना होता है जानेवारी फरवरी, लेकिन हम इंशाल्लाह मुसलमानी महीने के मुतालिक इन बच्चों से पूछेंगे, बताओ मुसलमानी जो महीना कौन सा महीने से शुरू होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जवाब सही है, माहे मुहर्रम से शुरुआत होता है इस्लामी महीना। अब इंशाल्लाह माहे मुहर्रम महीना में का चांद देखकर, बताओ चांद देखकर कौन सी कुरान की आयत पढ़ने की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जवाब सही है सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुकम्मल तौर पर। अब बताओ जब सूरह फातिहा पढ़े तो माह मुहर्रम महीने का चांद देखा और उसके बाद बताओ कि अल्लाह कितना सवाब अता फरमाएगा। 40 हज का सवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, 40 हज का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, लेकिन कौन सी चीज देखने की है ये बताओ। सोना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जवाब सही है, जवाब दुरुस्त है। माह मुहर्रम महीने का चांद देखना, सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना और उसके बाद सोना देखना, अल्लाह 40 हज का सवाब अता फरमाएगा। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वअला आलिहि वसल्लम। अब इसलिए कि माह मुहर्रम के बाद बताओ दूसरा महीना मुसलमान का कौन सा आता है, नाम बताओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जवाब सही है, जवाब दुरुस्त है, सफर महीना। अब बताओ सफर महीने का चांद देखकर कुरान की कौन सी आयत पढ़ने की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जवाब सही है, जवाब दूसरे एजाजा नसरुल्लाह की सूर पढ़नी है मुकम्मल, जवाब सही है। अब इंशाल्लाह बताओ कि उसका सवाल क्या है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेहिसाब खूबिया अल्लाह अता फरमाएगा और उसके बाद जब भेजा जा की सुर पड़ी बताओ वो क्या देखने का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जवाब सही है, इसलिए कि रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते के सूरह माए सफर का चांद देखकर इजाजा की सुरपनी भी, जवाब सही है, आईना देखना और बेहिसाब सवाब है। अब इंशाल्लाह जवाब सही है। अब इंशाल्लाह दरू शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लम। अब इंशाल्लाह ये बताओ मुसलमानी तीसरा महीने का नाम बताओ।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माह रबी अव्वल शरीफ मुसलमान का तीसरा महीना। अब बताओ वो रबी अव्वल का चांद देखकर कौन सी कुरान की आयत पढ़ने की? सुभान अल्लाह। इन्ना अतैना कल कौसर की सूरह यानी सूरह कौसर मुकम्मल पढ़नी है। अब बताओ उसके बाद क्या देखना है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब सही है। माय रबी का चांद देखकर इन्ना अतैना की सूरह मुकम्मल पढ़नी है, पानी को देखना। अब बताओ सवाब कितना मिलेगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम गुनाह माफ फरमाएगा। जवाब सही है। सवाब दूर से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले सय्यिदना मोहम्मद व अला वसल्लम। अब बताओ मुसलमानी चौथा महीने का नाम बताओ? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब सही है। मुसलमानी इस्लामी चौथा महीना रबिल आखिर। अब बताओ माह रबिल आखिर का चांद देखकर कौन सी कुरान की सूर पढ़नी है? सुभान अल्लाह यानी के जा जिल जला। जवाब सही है। अब बताओ इसलिए के चांद देखने के बाद क्या देखना है? सुभान अल्लाह। जवाब सही है। जवाब दूर से। अब बताओ अल्लाह तबारक व ताला कितना सा बता फरमाएगा? 1000 गुलाम आजाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1000 गुलाम आजाद करने का सवाब। जवाब सही है। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व सहाबा सलीम। अब बताओ मुसलमानी पांचवा महीने का नाम क्या है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमानी पांचवा महीने का नाम जमादिल अव्वल शरीफ। जवाब सही है। जवाब दुरुस्त है। अब बताओ जमादिल अव्वल शरीफ का चांद देखकर कुरान की कौन सी सूर पढ़नी है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब सही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद वलद लम यकुल लहु कुफुवन। मुकम्मल पढ़नी है। अब बताओ को चांद देखकर अल्लाह कितना सवाब अता फरमाएगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशुमार अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। जवाब सही है। जवाब दुरुस्त है। जरूर शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला। बताओ मुसलमानी छठा महीने का नाम क्या है? सुभान अल्लाह जमादिल आखिर। जवाब सही है। जवाब अब बताओ जमादिल आखिर का चांद देखकर कुरान की कौन सी आयत पढ़नी है? इकरा बिस्मी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इकरा बिस्मी की सूर पढ़नी है। जवाब सही है। अब बताओ उसके बाद तेरा अब इकरा बिस्मी की सूर पढ़ने पर किसका चेहरा देखना है? मुसलमान का चेहरा देखना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब सही है। जवाब दुरुस्त है। इसलिए कि जमादिल आखिर का चांद देखकर इकरा बिस्मी की सूर पढ़ने जो पहली आयत नाजिल हुई आका पर और मुसलमान का चेहरा देखना इंशाल्लाह पूरा महीना खुशहाल हो जाएगा। कहो सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले सय्यिदना मोहम्मद व अला वसहाबा सलीम। अब बताओ मुसलमानी सातवां महीने का नाम क्या है? सुभान अल्लाह माह रजब मुबारक। अब बताओ माह रजब मुबारक का चांद देखकर कुरान शरीफ की कौन सी आयत पढ़नी है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सूरह हादिया। जवाब सही है। अब बताओ इसके बाद कौन सी चीज देखनी है? कुरान शरीफ को देखना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ को देखना। अब बताओ कुरान देखने के बाद अल्लाह कितना सवाब अता फरमाएगा? कयामत के खौफ से महफूज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब सही है इंशाल्लाह। अल्लाह तमाम कयामत के दिन खौफ से हमेशा महफूज रहेगा। पढ़िए दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना मोहम्मद व अला आले सय्यिदना मोहम्मद। अब बताओ कि मुसलमान आठवें महीने माह मुबारक का नाम क्या है? सुभान अल्लाह माह साबान मुबारक। आका ने फरमाया साबान का महीना मेरा महीना है। अब बताओ साबान मुबारक का चांद देखकर कुरान की कौन सी आयत पढ़नी है?
सुभान अल्लाह अल कारिया तो मल कारिया। जवाब सही है, जवाब अब बताओ सूर पढ़ने के बाद क्या देखना है? दरख्त को देखने का और पूरा महीना खुशहाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब सही है, सावन का महीना का चांद देखकर अल कारिया की सूर पढ़नी है और दरख्त को देखना, हरियाली देखनी है, अल्लाह पूरा महफूज होगा। जवाब सही है, पढ़िए दरूद शरीफ। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا وصحبه وسلم। अब बताओ सावन के बाद मुसलमानी कौन सा महीना आता है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब सही है, जवाब दुरुस्त है। माह रमजान मुबारक का चांद देखकर कुरान की कौन सी आयत पढ़नी है? सुभान अल्लाह, यानी कुल औज नास की सूर पढ़नी है। जवाब सही है, अब बताओ क्या देखना है? तलवार देखने और शहादत का सवाब। सुभान अल्लाह, तलवार देखा, किसने देखी? अल्लाह शहादत का सवाब आएगा। जवाब सही है, पढ़िए दुरुस्त शरीफ। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى صحابه وسلم। अब बताओ माह रमजान मुबारक के बाद कौन सा महीना आता है? सुभान अल्लाह, जवाब सही है, जवाब दुरुस्त है। अब बताओ माह सवाल मुबारक का चांद देखकर कुरान शरीफ की कौन सी आयत पढ़नी है? सुभान अल्लाह, जवाब सही है, जवाब तब्बत यदा की सूर पढ़नी है। अब बताओ के कौन सी चीज देखनी है? रंगीन कपड़ा और माँ बाप का हक अदा करना। सुभान अल्लाह, यानी के रंगीन कपड़ा देखा तो गोया के अल्लाह इतना सादा माँ बाप का हक अदा किया। जवाब सही है, जवाब दूसरे बल्ली दुरूद शरीफ। अल्लाहु मोहम्मद वाले सिदरा मोहम्मद वाले वसाबारी वसलीम। अब बताओ मुसलमानी 11 महीने का नाम बताओ। सुभान अल्लाह, जिल कदा। जवाब सही है, अब बताओ जिल कदा का चांद देखकर कुरान की कौन सी आयत पढ़नी है? सुभान अल्लाह, वल असर निल इंसान। जवाब सही है, अब बताओ अल्लाह कितना सवाब अता फरमाएगा? सुभान अल्लाह, जिसने चांद देखा जिल कदा का और सूरह असर पढ़ी और अल्लाह सवाब इतना हो जाएगा, दो जग से आजाद हो जाओगे। पल्लिए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आले सय्यिदिना मुहम्मद वअला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अब बताओ मुसलमानी 12वां महीने का नाम बताओ। सुभान अल्लाह, दिल हज्जा जो चल रहा है इंशाल्लाह। जवाब सही है, दिल हज्जा का चांद देखकर कुरान शरीफ की कौन सी आयत पढ़नी है? सुभान अल्लाह, यानी कि इन्ना अंतल्लाह की मुकम्मल सूर पढ़नी है। अब बताओ जो सूर पढ़ ली तो किसका चेहरा देखना है? मुसलमान का चेहरा। सुभान अल्लाह, जवाब सही है, मुसलमान का चेहरा देखना है। बताओ सवाब कितना लाता है भाई? जन्नत। सुभान अल्लाह, अल्लाह जन्नत नसीब अता फरमाएगा। जवाब सही है, दिल हज्जात का चांद देखकर वल असर सूरह कदर पर, यानी इन्ना अंजला की सूर तो और मुसलमान का चेहरा देखा। जवाब ये भी सही तो अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह जितने लोग आए सभी की जायज तमन्ना पूरी अता फरमा और जितने लोग आए तमामों की जान और माल और ईमान की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह दीन और दुनिया के कामों के अंदर कामयाबी अता फरमा। हमारे मौला हाजी चौटन तमाम जरा पेश करते तो कबूल अता हरमा। हमारा आगे बस बाबू को इसका स्वाब अता हरमा, इनकी कब्रों का वसी अता हरमा और जन्नत वाला तला मुकाम अता हरमा। जितने लोग साहिस्ता बानो हाजिया रहमीला बाई, जितने बीमार है सभी को सिफाई कामिला अता हरमा। इस घरों में खैर बरकत नदी अता हरमा। जितने लोग मौला आए सबकी जायज तमन्ना पूरी अता हरमा। इसी तरह मौला जितने लोगों को जितनी भी महिला आई है सभी को मक्का शरीफ, मदीना शरीफ और बगदाद शरीफ जाने का मौका अता हरमा। और जो भी भाई बहन के रिश्ते ने जोड़े अता हरमा। हम सबके माँ बाप की बख्शिशी अता हरमा। जिनके माँ बाप हयात इनकी उम्र में बरकते अता हरमा और बीमार है तो शिफाए कामिला अता हरमा। या अल्लाह पंजतन के सद के तौसल में हम गुनहगारों की दुआ को कबूल अता हरमा। इन अल्लाह मलाइकतहु युसल्लून अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। अब इंशाल्लाह 12 महीने की चांद देखकर कौन सी कुरान की आयत पढ़नी, ये भी आपने इंशाल्लाह सुना और क्या देखने का कितना सवाब, आप भी इंशाल्लाह खुद भी देखिए और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको इसे शेयर कीजिए ताकि आपको भी इंशाल्लाह सवाब मिलता रहे। जो भी चांद देखेगा ये देखेगा और सूर पड़ेगा उसको भी सवाब मिलेगा, आपको सवाब। दुआ करें अल्लाह इसी तरह हमें दीन की तबलीग करने का जज्बा अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।